भाई फाइनली लग रहे हैं यहाँ पे अपने नए ब्रेक शूज। तो भाई फाइनली जो है ना अपने स्कूटर का जो है ना पूरा काम हो चुका है। मैंने ऑयल चेंज किया, ब्रेक शूज यहाँ पे चेंज किया और हॉर्न का भी लग नहीं रहा था, तो मैंने हॉर्न का ना वायर खराब हो चुका था। चलो यहाँ पे मैंने कैमरा भी सेट कर दिया ना, ये देखिए LML NV जो कि फोर स्ट्रोक है। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और मेरे कश्मीर में आके जो है ना मेरा आज दूसरा दिन है, तो सोच रहा था कि आज मैं अपने स्कूटर का जो ना ब्रेक है ना उसको पहले सॉल्व कर दूँ और फिर देखते हैं अगर सीट भी मिलती है, सीट का जो प्लास्टिक कवर है ना अगर वो भी मिलता है तो उसको भी फिक्स कर लेंगे। तो पहले चलते हैं और यहाँ से आई थिंक यहाँ से जो है ना बहुत ही करीब, मैंने आते हुए जो है ना जब श्रीनगर में आ रहा था ना मैंने तब वहाँ पर देखा था स्कूटर के, वहाँ पर जाके जो है ना उसको पहले सॉल्व करेंगे और वो ऑयल भी चेंज कर लेंगे ना। मेरी मैंने कैलकुलेट किया सब कुछ जो है ना, मेरी स्कूटर जो है ना 8400 किलोमीटर चल चुकी है अभी। और तो पहले जाके जो है ना ऑयल चेंज करूँगा, मैंने लास्ट टाइम जो है ना 4500 किलोमीटर पे ऑयल चेंज किया था, तो अभी एक बार ऑयल चेंज करूँगा और फिर ब्रेक शू चेंज करने हैं दोनों, और फिर ब्रेक हल्का फुल्का जो है ना स्कूटर में काम है वो फिक्स करेंगे और फिर देखते हैं जो भी होगा। तो अभी मैं हेलमेट लेके जो है ना यहाँ से निकलता हूँ, अभी देखते हुए जाना होगा मुझे दुकान कहाँ पर मिलेगा कहाँ पर। तो भाई ये रही अपनी स्कूटर, बहुत गंदी हो चुकी है ना, बहुत मतलब बहुत ही गंदी यार, हॉर्न बिल्कुल भी नहीं लगता ना यार। आई थिंक जो है ना यहाँ पे कनेक्शन लूज हो रहा है इसकी वजह से ये चल रहा है। चलो बिस्मिल्लाह इसको चलो यहाँ पे मैंने कैमरा भी सेट कर दिया ना, ये देखिए LML NV जो कि फोर स्ट्रोक है। अरे एक बार मुझे ना फोर स्ट्रोक स्कूटर चलाना है, देखना कि उसका और इसका पावर जो है ना कैसा है। आई थिंक फोर स्ट्रोक में ना माइलेज भी थोड़ा ज़्यादा मिलता होगा और उसमें ऑयल भी नहीं डालना पड़ेगा। ये देख सकते हैं पूरे यहाँ पे शिकारा है ना। मैंने आते हुए जो ना इसी रूट पे मैंने एक यहाँ पे देखा था गैरेज, लेकिन अभी वो गैरेज मिल ही नहीं रही, पता नहीं वो गैरेज कहाँ पे है अभी। और मैंने लास्ट टाइम काम किया था, मुझे वहाँ पे भी जा सकता हो, वहाँ पे भी बहुत ही अच्छा काम करता है वो बंदा। जब मैं लद्दाख जा रहा था तब भी मैंने जाते हुए ना एक जगह पर मैंने अपनी स्कूटर का काम किया था, कार्बोरेटर क्लीनिंग, उसने भी बहुत ही अच्छे से काम किया था और माइलेज बहुत ही बढ़िया दे रहा है उसके बाद। तो पहले जो है ना यहाँ पे जो है ना मैंने एक्स्ट्रा बाइक स्कूटर देखी थी, अगर वो चाहते हैं ना तो वहाँ से उसके पार्ट्स निकाल के जो है ना मैं अपने स्कूटर में लगा सकता हूँ, जैसे मेरा सीट का निचला कवर और ब्रेक ड्रम जो है ना वो भी थोड़ा बहुत ये हुआ है, अगर मुझे दूसरा मिलता है ना तो वो ड्रम मैं डालूँगा, वरना ऐसे ही छोड़ दूँगा उसी ड्रम के साथ। आई थिंक इससे थोड़ा आगे जाएंगे तो हमारी स्कूटर गैरेज मिल जाएगी। तो भाई फाइनली जाके जो है ना मुझे एक दुकान मिली जहाँ पे काम होता है, और यहाँ पे देख सकते हैं एक दो और यहाँ पे भी एक है NV, तीन NV यहाँ पे है ना। तो अभी मेरी स्कूटर का यहाँ पे ब्रेक शू चेंज ये करेंगे और इसको निकालेंगे ना, तब इसके ऊपर भी हल्की जो है ना हथौड़ा मार लेके इसको सीधा कर लेंगे। ये ऑफ रोड के चक्कर में जो है ना मेरा ये काम हो गया था, और यहाँ पर अभी भी देखोगे ना मैंने कुछ जगह पर टैक्स लगा के जो है ना चला रहा था, बहुत सारी चीज़ें जो है ना करने धीरे धीरे कर लेंगे एक एक करके। फाइनली लग रहे हैं यहाँ पे अपने नए ब्रेक शूज, और ये रहा पुराना वाला।
तो भाई फाइनली जो है ना अपने स्कूटर का जो है ना पूरा काम हो चुका है। मैंने ऑयल चेंज किया, ब्रेक्स उस यहाँ पे चेंज किया और हॉर्न का भी लग नहीं रहा था, तो मैंने हॉर्न का ना वायर ख़राब हो चुका था वो भी मैंने सीधा कर दिया, सही कर दिया। और ये जो है ना सिर्फ स्कूटर का ही काम करते हैं, यहाँ पर अगर देखोगे ना स्कूटर LML NV का ही जो है ना उसमें बैनर के ऊपर जो है ना वहाँ पर LML NV का ही ये बना रखा है, नया राजा ऑटोमोबाइल्स। तो स्पेशल श्रीनगर स्कूटर अंदर भी देखना, पूरा स्कूटर का ही सामान यहाँ पे मिलेगा। तो फाइनली स्कूटर रेडी, मैं देख रहा हूँ कि अपने ब्लीडिंग कहीं पे मिलते हैं। और मैंने एक सामने और एक दुकान देखी ना, वहाँ पे जाके एक बार देखता हूँ कि अगर मिल जाती है ना तो मैं वो ही लेके जो ना मैं डालूंगा। और यहाँ पे है, मैंने इनसे पूछा कि मुझे उस गाड़ी का निकाल के दो, वो बोला कि वो कस्टमर की गाड़ी है, तो कस्टमर की हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो देखते हैं जैसे भी हो आगे। भाई बात करके ना बहुत ही अच्छा लगा इनसे, और बहुत ही बड़ी स्कूटर का काम जो है ना बहुत ही अच्छे तरह से किया है मेरा। ऑयल चेंज जो हॉर्न देखना अभी लग रही है, ओह ऑलमोस्ट मेरा पूरा काम हो चुका है स्कूटर का। लेकिन एक बार स्कूटर को वॉश करना है, और मैं ये देख रहा हूँ कि कहीं पे मुझे इसकी बेडिंग मिले, अगर बेडिंग मिलती है तो ना मैं लगा दूंगा अपनी स्कूटर पे। अगर कहीं पुरानी स्कूटर भी दिखती है ना तो मैं उसकी निकाल लूँगा अगर किसी से पूछ के। मैंने आगे ना कुछ स्कूटर्स देखे हैं पुराने, तो एक बार वहाँ पे जाके देखते हैं, अगर वहाँ पे मिलती है तो वहाँ से उठा लेते। यहाँ पे कहीं पे गुजरी भी मिलती है ना तब भी जाएंगे ना, तो वहाँ पे आई थिंक मुझे मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्कूटर्स हैं। स्कूटर की भाई ने यहाँ पे सीट जो है निकाल के मैंने साइड लॉक लगा दिया यहाँ पे, और इन भाइयों ने मुझे यहाँ पे हेल्प किया बहुत ही। अभी जाके जो है ना सिर्फ यहाँ पे पिन लगाना बाकी है, मैंने अपना पैनल जो है ना वहाँ पे रखा है पहले वाला, और इस स्कूटर का जो है ना मुझे लॉक निकाल के यहाँ पे लगा दिया। तो ऑलमोस्ट पूरी स्कूटर मेरी डन हो चुकी है, बस अभी उसको खाली पिन लगाना है और यहाँ पे कुछ लगा के जो ना इसको बंद कर देंगे। तो ये बहुत गंदा लग रहा है, तो एक बार उसके पास जाऊँगा तो उसके पास से कुछ बंद करके, तो आज का पूरा अपना स्कूटर का पूरा काम हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी जो है ना सीट को सिर्फ स्टेपल करना है, तो देखते हो कहाँ पे मिलता है सीट का काम करने वाला। उन्होंने बताया कि खयाम चौक की तरफ मिल जाएगा, देखता हूँ मैं उसी तरफ जाना हो खयाम चौक की तरफ। तीन बजे के करीब निकला था और दो घंटा, अभी 5:12 हो चुके हैं, तो दो घंटे के अंदर जो ना अपने पूरा स्कूटर का काम हो चुका। जो मेरा टायर भी ये हुआ था ना पहला, पीछे वाला जो टायर मेरा ऑफ रोड केस में हुआ, तो मैंने उसको भी जो ना हथौड़ी मार के जो है सही कर दिया। स्कूटर के वाइब्रेशन में जो है ना मेरा सीट का जो है ना आवाज़ बहुत ही आ रहा था, लेकिन अभी हल्की भी आवाज़ नहीं आ रही वाइब्रेशन की वजह से। यानी पूरी ऑलमोस्ट मेरी स्कूटर परफेक्ट हो चुकी है अभी। आज जो है ना वीडियो का जो है ना दूसरा दिन है, और स्कूटर के अंदर जो है ना मेरी स्कूटर जो है ना पंचर हो चुकी थी, और मैंने स्कूटर जो है ना वहाँ पे चेंज कर टायर चेंज करके जो है ना मैंने दूसरा टायर लगा दिया। स्टेपनी में जो था ना वो टायर, तो मैंने चाहता कि ना वो नया टायर जो है ना मैं यूज़ करूँ इस राइड के अंदर, तो मैं इसको ऐसे ही साइड में रखना चाहता हूँ। तो अभी मैंने स्टेपनी में जो लगाई हुई है तो उसको ना मैं अभी पंचर निकालना है, पंचर निकाल के जो है स्टेपनी लगाएंगे और फिर से जो है इसके साथ चलाएंगे। तो अभी वॉश करना बाकी स्कूटर, ऑलमोस्ट स्कूटर का जो है ना पूरा काम भी मेरा हो चुका है और अभी पंचर भी हो चुका, तो ये कर लेंगे ना जाते हुए ना पंचर निकाल दूंगा। और फिर स्कूटर स्टेपनी जो पहला टायर है ना वही मैं पहला लगा के जो है ना अपनी स्कूटर अभी चलाऊंगा। देखना चाहता हूँ कि मैं कितना किलोमीटर चल सकता है ये टायर राइस मोटर टायर्स, लेकिन परफॉर्मेंस जो है ना राइस टायर मोटर की जो ना बहुत ही बढ़िया, पर्सनली मुझे जो ना बहुत ही अच्छी लगी इसकी परफॉर्मेंस। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो करना लाइक, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, तो मिलते हैं तो बढ़िया से वीडियो के अंदर।